फरियाल की शादी से पहले मैं बहुत उदास था, लेकिन अब खुश हूं। मेरी बच्ची का घर बस गया। जी, आपने मुनीब को देखा था? अपने दोस्तों के साथ किस कदर मसरूफ था। अरे भाई, उसने तो फरियाल के साथ खाना तक नहीं खाया। शादी के बाद बच्चियां खुश होती हैं, चेहरे पे रौनक होती है, लेकिन अपनी फरियाल मुझे कुछ चुप चुप सी लगी है। क्या सोचने लगी मुमताज? शादी के बाद लड़की के लिए नया घर और नए रिश्तों को अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी उसे दिन ही कितने हुए वहां। और रही बात मुनीब की, तो शादी में आए मेहमानों को देखना पड़ता है। मुनीब और फरियाल का रिश्ता उम्र भर का है, अब उन्हें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। मैं तो बस परेशान रहने के लिए कोई वजह चाहिए होती। सो जाओ, अब मुझे भी सुबह ड्यूटी पे जाना है। ओह, अम्मी ये देखें, कितनी प्यारी पिक्चर है। आप और बाबा कितने यंग लग रहे हो ना। शर्म तो नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए, बेवकूफ लड़की। बस कर दें अम्मी, एक तो पता नहीं इस उम्र में आकर बीवियों को अपने शौहर अच्छे क्यों नहीं लगते। अरे मैंने ये कब कहा कि तेरे बाबा मुझे अच्छे नहीं लगते? बेवकूफ तो नहीं है तू? तो इसका मतलब अच्छे लगते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे बाबा। अच्छा चले, ये देखे फरियाल अभी मुझे कितना गुस्से से देख रही थी जब मैं मुनीब भाई और उनके बीच में आके बैठ गई थी तो। हाँ हाँ, ये कौन है? ये तो हमारी प्यारी सी अनाया आपी है ना। अरे इसका थोड़ी बोल रही हूँ, ये कौन है? ये, अरे ये तो बाबा के बॉस है ना, बाबा ने आपको मिलवाया था इनसे। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। ध्यान कैसे रहेगा, उनका सारा टाइम तो ध्यान अनाया आप ही पर है। हो गई तुम्हारी बकवास, ये पिटना है मुझसे। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? अम्मी आप देख रही हैं जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है इनकी। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं, जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। माँ क्या हो गया आपको? वो तो बेवकूफ है ही, आप तो समझदार है ना, फजूल उसकी बातों में आ रही है। अरे तुम्हें किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि माँ उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये फर्क का कॉन्सेप्ट निकल जाए ना दिमाग से तो सारे फर्क मिट जाएंगे। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया या कॉपी मारूं तुम्हारे मुंह के ऊपर? बस यही करना आता है आपको। चले अम्मी ये देखें, ये पिक्चर हम और देखें, इनको छोड़ें, इग्नोर करें। ये देखें आप कितनी प्यारी लग रही हो। ये इसको देख मोहल्लेदार कैसे बुंदे पहने। पापा को देखो।